ये उसी के ये 5 दिन की रामलीला बंदी समझे आप, 5 दिन के लिए आप निकाल लूंगा इधर से। गाइस हम जा रहे हैं झूलों की तरफ, आप देख सकते हो सब जगह पानी भर रहा है और सारी दुकानें ऑफ हैं। सभी को इस पानी की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कोई कहीं जा नहीं पा रहा बाहर, अगर किसी को जरूरत पड़ी है तो। चलते हैं अब आगे झूलों की साइड। तो यहाँ आप देख सकते हो बाइक चलाने भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है, यहाँ पर बाइक फिसलने का बहुत ही ज़्यादा डर है। हम बाइक ले तो आए इधर, गाड़ी भी दमदार है वरना दम तोड़ जाती है यहाँ पर। हट भाई, सो गाइस फाइनली हमें मिल चुके हैं डीजे शर्मा की टीम के बंदे, तो यहाँ पर बैठे हैं ये लोग। सो गाइस भाई आपको बताओ क्या सीन लग रहा है, कैसे कैसे क्या हो गया, आज रामलीला हो पाएगी भी या नहीं, आपको क्या लगता है? मुश्किल है आज तो, मुझे भी लग रहा है बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पानी बहुत ही ज्यादा है इधर भी और प्लस झूलों की साइड भी बहुत ही ज्यादा पानी है, आज नहीं निकल पाएगा। तो आपको फर्स्ट टाइम आप मुरादाबाद आए हो ना रामलीला के लिए, कैसे लग रहा है आपको मुरादाबाद? बढ़िया लग रहा है, बारिश हो रही है और क्या नाम है माल जो है ढका पड़ा है, अपने बैठे हैं मौज ले रहे हैं सोफे पे। अच्छा देख सकते हो आप सोफे वोपे सब डूबे पड़े हैं, और कुर्सी आप भी सामने देख सकते हो सोफे कितने डूबे पड़े हैं। तो बारिश के कारण बहुत ही बुरा हाल हो चुका है, आप देख सकते हो स्टेज भी कैसा हो रखा है, सारी शो बिगड़ गई। तो आज रामलीला नहीं लगेगी क्योंकि पानी बहुत ही ज्यादा है इसलिए। तो वैसे भाई आपका नाम क्या? मेरा नाम अजरुद्दीन।
अच्छा अजरुद्दीन, और भाई आपका? भीमसेन। भीमसेन, अच्छा तो आप फर्स्ट टाइम आए हो ना मुरादाबाद रामलीला के लिए? साउंड के लिए, रामलीला के लिए इस ग्राउंड में फर्स्ट टाइम आया। वैसे तो आते रहे तो हाँ, वो सभी को पता है आपकी फैन फॉलोइंग तो काफी तगड़ी है। और इस बार तो बहुत अच्छे प्लान से आए थे, पर सारा कुछ पानी की वजह से बेकार हो रहा है बारिश में। सब देख रहे हो आप कैसा पानी पड़ा है, आज और कल तो कुछ नहीं होने का यहाँ पे लग रहा है। अच्छा, दो दिन नहीं हो पाएगी रामलीला? हो पाएगी, आज और कल भी पानी सूखेगा और कल तक की बारिश बहती भी बताइए। हाँ, तो तीन दिन से तो लगातार बारिश पड़ रही है उसी के लिए। पांच दिन की रामलीला बंदी समझे आप? पांच दिन के लिए भाई, आप देख सकते हो भाई बता रहे हैं, तीन दिन से तो रामलीला बेकार ही हो चुकी है। आज चौथा दिन है तो बारिश कंटिन्यू होने के कारण देख सकते हो आप क्या हाल है। इतना सेटअप लगा रखा है, क्या बताएं, मजा नहीं आया बजाने का, मौका नहीं मिल पा रहा है भाई बारिश में। हाँ, बाकी शर्मा जी की तो साउंड बहुत ही प्यारी है, सभी को पता है काफी फैन है आपके मुरादाबाद के, प्यार मिलता आप लोगों का तो। हाँ, करते हैं। और बाकी आप ये बता सकते हो कि जो लास्ट मतलब दशहरा जो है उस दिन आपकी टाटा आएगी या नहीं? पक्का आएगी भाई, टाटा आएगी। सो गाइस भाई बता रहे हैं उस दिन टाटा जरूर आएगी शर्मा डीजे की, जिस जिसको भी देखनी है सभी रामलीला ग्राउंड में आ जाए। सो गाइस आप देख सकते हो कुर्सियां कैसे हो रखी है पानी के कारण, सब जगह पानी हो रखा है। और ये सामने साउंड है, और साउंड भी यहीं पर है, डीजे शर्मा की साउंड लगी है, काफ़ी अच्छी है, बहुत ही प्यारी, काफ़ी फेमस है डीजे शर्मा, तो उनकी साउंड बुलाई गई है। फर्स्ट टाइम आई है मुरादाबाद में डीजे शर्मा की साउंड, तो फर्स्ट टाइम देख सकते हैं आप क्या सीन हो रहा है। वैसे हर बार ही होता है ये बारिश का सीन, तो देख सकते हो आप कुर्सियाँ, कुर्सी कैसा हाल हो रखा है, सामने स्टेज, तो भाई सब जगह पानी भर रखा है, तो बहुत ही मुश्किल से कवर कर पाएंगे ये दोबारा स्टेज शो करना, तो बहुत ही पानी हो रखा है। और देख सकते हो ये ओ, तो वो भैया देखो उधर हैं, बाकी स्टेज वाले जो भी हैं, चलो उनसे मिलते ही देखते हैं वो क्या कहते हैं। गाइस बहुत ही हालत खराब हो रखी है, साउंड देख सकते हो आप थोड़ी ऊपर है, ट्रेस की वजह से बच हुई है। बहुत ही बुरा हाल हो रखा है, भाई से पूछते हैं उधर देखो बैठे हैं शायद कमेटी मेंबर लोग हैं, स्टेज का बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। ये स्टेज यहीं पर होती है रामलीला। तो गाइस अच्छा, तो हम आए यहाँ पर, देख सकते हो यहाँ पर सोफे ऊपर सब डूबे पड़े हैं। सो गाइस फाइनली हमें मिल चुके हैं डीजे शर्मा की टीम के बंदे, तो यहाँ पर बैठे हैं ये लोग। सो गाइस भाई आपको बताओ क्या सीन लग रहा है, कैसे कैसे क्या हो गया, आज रामलीला हो पाएगी भी या नहीं, आपको क्या लगता है? मुश्किल है आज तो, मुझे भी लग रहा है बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पानी बहुत ही ज्यादा है इधर भी है, और प्लस झूलों की साइड भी बहुत ही ज्यादा पानी है, आज नहीं निकल पाएगा। हाँ, तो आपको फर्स्ट टाइम आप मुरादाबाद आए हो ना रामलीला के लिए, कैसे लग रहा है आपको मुरादाबाद का? बढ़िया लग रहा है, बारिश हो रही है और क्या नाम है, माल जो है ढका पड़ा है, अपने बैठे हैं, मौज ले रहे हैं। अच्छा, देख सकते हो आप सोफे वोफे सब डूबे पड़े हैं, और कुर्सियां भी सामने देख सकते हो सोफे कितने डूबे पड़े हैं, तो बारिश के कारण बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। आप देख सकते हो स्टेज भी कैसा हो रखा है, सारी शो बिगड़ गई, तो आज रामलीला नहीं लगेगी क्योंकि पानी बहुत ही ज्यादा है इसलिए। तो वैसे भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजरुद्दीन। अच्छा अजरुद्दीन, और भाई आपका? भीमसेन। भीमसेन, अच्छा तो आप फर्स्ट टाइम आए हो ना मुरादाबाद रामलीला के लिए साउंड के लिए? रामलीला के लिए इस ग्राउंड में फर्स्ट टाइम आया। वैसे तो आते रहे तो हाँ, वो सभी को पता है आपकी फैन फॉलोइंग तो काफी तगड़ी है। और इस बार तो बहुत अच्छे प्लान से आए थे, पर सारा कुछ पानी की वजह से बेकार हो रहा है बारिश में। सब देख रहे हो आप कैसा पानी पड़ा है, आज और कल तो कुछ नहीं होने का यहाँ पे लग रहा है। अच्छा, दो दिन नहीं हो पाएगी रामलीला? हो पाएगी, आज और कल भी पानी सूखेगा और कल तक की बारिश बहती भी बताइए। हाँ, तो तीन दिन से तो लगातार बारिश पड़ रही है उसी के लिए। पांच दिन की रामलीला बंदी समझे आप? पांच दिन के लिए भाई, आप देख सकते हो भाई बता रहे हैं, तीन दिन से तो रामलीला बेकार ही हो चुकी है, आज चौथा दिन है, तो बारिश कंटिन्यू होने के कारण देख सकते हैं आप क्या हाल है। इतना सेटअप लगा रखा है, क्या बताएं, मजा नहीं आया बजाने का, मौका ही नहीं मिल पा रहा है भाई बारिश में। हाँ, बाकी शर्मा जी की तो साउंड बहुत ही प्यारी है, सभी को पता है काफी फैन है आपके मुरादाबाद के,
प्यार मिलता आप लोगों का तो हाँ। करते हैं और बाकी आप ये बता सकते हो कि जो लास्ट मतलब दशहरा जो है उस दिन आपकी टाटा आएगी या नहीं? पक्का आएगी भाई, टाटा आएगी। सो गाइस भाई बता रहे हैं उस दिन टाटा जरूर आएगी सर्वा डीजे की। जिसको भी देखनी है सभी रामलीला ग्राउंड में आ जाएं।